जी भाई वापस आ गया। Privilege to be a part of or to attend this the awards here, especially Dada Saheb Phalke Awards. It is one of the most prestigious awards of our industry or country, and I'm really looking forward to being a part of this today. Sorry, just give me a moment. फिल्म्स कमिंग अप, दो फिलहाल अभी तेलुगु फिल्म्स हैं, एक तमिल है, एक हिंदी। देर ऑल डिफरेंट, वन इज़ अ बाइकर्स फिल्म एंड वन इज बेस्ड ऑन कबड्डी एंड वन इज़ अ रीमेक ऑफ अ मलयालम फिल्म, इट्स कॉल्ड ऑपरेशन मजनू एंड एक तमिल फिल्म है विच इज़ a kind of a thriller that I'm doing. Thank you so हैप्पी। हमें बहुत खुशी हुई है, स्कैम आपने देखा होगा, इट्स अ बिग हिट एंड थैंक यू फॉर द ऑडियंसेस टू हैव लाइक्ड इट एंड अप्रिशिएटेड इट। हम लोग तो बहुत खुश हैं, अभी ये अवार्ड भी मिलेगा तो इट्स अ रियल ऑनर टू गेट दिस अवार्ड। तो हाँ, हम बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा प्रिविलेज मोमेंट है, बहुत बड़ी ऑनर है। हमने काफ़ी अवार्ड जीते हैं पर ये एक्चुअली सबसे बड़ा अवार्ड है जो हम जीत रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि बेस्ट सीरीज ले मिल रहा है और होपफुली हम आगे जाके और भी ऐसे कर सकेंगे। 2021 की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ हमें इस कैंप के बाद क्या कुछ ऐसा धमाका हमें देखने को मिलेगा अगर आप बता सकते हैं? पहले तो स्कैम 2 आएगा, सीजन 2 तो आएगा ही, हमारे दूसरे शोज का भी सीजन 2 आने वाले हैं, अनदेखी का आएगा, अवरोध का आएगा, अभी हम फौदा बनाने वाले हैं, लूथर बनाने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ धमाके आएंगे। अभी तो लिख रहे हैं, बुक राइट्स लिए हैं, अभी लिखना शुरू किया है, शूटिंग होगी अराउंड जून जुलाई में और होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर रिलीज होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सी यू टू. ये तो एक साल बाद हो रहे हैं सबके साथ, मेरे साथ तो एक साल बाद हो रहे हैं. गुड टू सी यू. व्हाट एक्सपेक्टिंग टुनाइट? दादा साहब पालके अपने आप में इष्ट पितामह हैं हिंदी फिल्म जगत के. इस तरह के व्हाट फंक्शन पे आना, उसका हिस्सा बनना, और शायद आपको मिल भी रहा हूँ, हमें पता नहीं, अगर आप बताएं. बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड टुनाइट. सो जस्ट फीलिंग वेरी हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरी वन हु इज़ कंसिडर्ड मी वर्थी ऑफ दिस. मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है. और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट. सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट. थैंक यू. सोचा था क्या कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को? ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू नो यू रीच दैट स्टेज. और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम. तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए. आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को. बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे. और दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग शूट विद भूल भुलैया 2 विच वॉज द लास्ट फिल्म ऑल्सो दैट वी वर शूटिंग बिफोर द पैंडेमिक. तो फाइनली एक्साइटेड टू गो बैक ऑन सेट एंड मेक अ गुड फिल्म. और जो भी फिल्म रिलीज होगी होपफुली दिस ईयर वील गेट टू नो मोर व्हेन दैट विल हैपन. या लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान कियारा जी ने सीखी अगर आप बताना चाहेंगे? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने. आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माय बैक नाउ बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ. जिस तरह का प्यार फैंस की तरफ से क्रिटिक की तरफ से आपको मिल रहा है और जिस तरह से आपको जो हेडिंग ये जो जितनी सक्सेस कामयाबी मिली है डज इट मेकिंग यू मोर रेस्पॉन्सिबल और इट गिविंग यू नर्वसनेस? डेफिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंकरेजिंग भी है. आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से इतना प्यार मिलता है. सो डेफिनेटली इंकरेजिंग मोटिवेटिंग. आई मीन आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल. सो थैंक यू. थैंक यू. ऑब्वियसली तभी इतना सच सच के आई हूँ. बट या माई फर्स्ट विजिट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैव इन्वाइटेड मी.
And I think Sabha and Soumya are also about to reach very soon, so it'll be a gala time for sure. लगता तो है कि रुबीना जीतेंगी बिकॉज उन्हें जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है व्यूअर्स से, बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माई प्रेफरेंस इज अली एंड राहुल बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन एंड आई लाइक देयर इक्वेशन एंड वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है. रुबीना भी है बट वो थोड़ी सी सिलेक्टिव है, बट अली एंड राहुल आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू पर्सपेक्टिव. सो या आई थिंक दे शुड विन. आई विल प्रे बट आई नो रुबीना इज गोइंग टू विन. राखी सावंत, आई मीन एंटरटेन का नाम और एंटरटेनर में राखी सावंत नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. सो ऑब्वियसली आई थिंक शी लास्ट सीजन में शहनाज थी, इस सीजन में राखी सावंत आ गई. थैंक यू. हरे कृष्णा. बहुत बड़ी बात है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि यू नो एवरी एक्टर्स ड्रीम इज टू बी हियर, बी प्रेजेंट हियर. सो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर. क्रैश के बारे में अगर आप यस, सो क्रैश लॉन्च हो चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि 9.8 आईएमडीबी रेटिंग मिली है एंड क्रैश को सब इतना प्यार दे रहे हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. Yeah, I am looking forward to work for more web right now. मतलब web and movies. I'm auditioning for that. Serial भी बहुत amazing है. अगर कुछ अच्छा opportunity मिलता है serial में जहाँ मुझे अपना talent दिखाने का मौका मिलता है तो definitely serial करूँगी. But अगर अच्छी web की opportunity मिलती है तो definitely web, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि web का माहौल है. Since post lockdown सब web series करने की कोशिश कर रहे हैं and I also want to go towards that. Crash को लेके किस तरह के यार, आफ्टर कमिंग फ्रॉम सीरियल बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि वेब वाली एक्टिंग कर पाएंगी. यू नो द वेब काफ़ी रियलिस्टिक होता है, सो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये तो सीरियल से है. सो ऐसा लोग सोच रहे थे बट आई एम रियली ग्लैड, टचवुड बाय ब्लेसिंग्स एंड ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई प्रोड्यूसर्स एंड माई डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं लोगों को. काफ़ी अच्छी लग रही है एक्टिंग, काफ़ी अच्छी लग रही है स्टोरी लाइन, काफ़ी अच्छी लग रही है क्रैश की. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. यार वैसे मैं बिग बॉस रेगुलरली नहीं देख रही हूँ बट डेफिनेटली मैं राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही हूँ. ही इज़ बिन अ फ्रेंड बिफोर बिग बॉस. तो पहले पवित्रा को सपोर्ट कर रही थी बट क्योंकि पवित्रा बाहर आ गई तो आई थिंक राहुल वैद्य इज़ द वन. थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू. ठीक है, चल मैं लेकर आता हूँ. मैं लेकर I'm getting out of Vikrant right now. Baba, I am on the red carpet. I can't see him. I will tell you once I see him. Yeah.
इनको लेना फाइट्स बाद में देखा आते वक्त उसका अवार्ड का आ गया मेरा क्लाइंट है All the visuals, Marwadi, all the visuals, all the visuals. No bike. मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए देखने के लिए कि कैसा बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान सॉन्ग एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड टू बी रिसीविंग द अवार्ड दैट आई एम सीइंग टुनाइट आई ऑलवेज डू व्हेन आई टॉक अबाउट अंग्रेजी एंड व्हेन एवर आई टॉक अबाउट इरफान सॉन्ग मतलब वो है मेरे साथ मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले एंड या अंग्रेजी विल ऑलवेज बी स्पेशल बिकॉज ऑफ हिम डू यू थिंक द सेंस ऑफ रिदम गोस अप व्हेन व्हेन यू सी व्हाट दैट टू बोल दैट टू दादा साहब बात करते हैं दैट टू डू यू थिंक द सेंस ऑफ रिदम व्हाट सेंस ऑफ रिदम एज एन एक्टर गोस अप इट डेफिनेटली गोस अप बिकॉज़ अभी मुझे और यू नो मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ एंड दैट इज़ इट दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू There are a lot of projects which will be there. I don't want to make the announcements right now, but I can just make a promise that I will show you different flavors and I will entertain you as much as I can. 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है, 2020 से
2020 में मैंने ये सीखा कि हम लोग कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बी एड खाना, बी एड घर, बी एड परिवार. हम लोग भागते रहते हैं कैसी दौड़ में जो नेवर एंडिंग है. सो मुझे वैल्यू समझ में आई छोटी छोटी चीज़ों की 2020 में, एंड आई होप मैं उसको अपने साथ लेके चलूँ 2021 में और आगे के साथ. For any award, I guess. I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir, bahut busy hai. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achint. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight and all by myself. Yeah, what difference do you find I'm just glad about the fact that I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time. And OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching. And we can be thankful at least, and instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. I won't lie, I do not follow Bigg Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend and she should definitely win this. Yeah. I think I moved on here from there. I think much ahead uske baad maine 25,000 cheeze kar liye, so I think I'm barely there. I think. Done? Thank you. I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of, for sure, and I think
क्रिटिक्स चॉइस मिलना इट्स लाइक फाइनली यू नो एग्जाम वाला प्रेशर खत्म हो जाता है. सो थैंक यू फॉर दिस एंड आई कांट वेट टू गो बैक टू वर्क इन दिस इज सुपर मोटिवेटिंग फॉर दैट. थैंक यू. Yeah, yeah, yeah. Take a look at it.